स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीके डिजिटल कैश में। तो दोस्तों, आप सभी ने वो अपडेट तो देख ही लिया होगा जो सभी की एप्लीकेशन के ऊपर आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है वो एक लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से समझ में नहीं भी आया है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं, तो ऐसे में उनको ये चाहिए कि कोई उनको हिंदी में एक्सप्लेन करे। तो जैसा आप लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पर डिमांड भी करी है और मैं जिस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करता हूँ, तो उसी के हाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पर उसी सोच के साथ में आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में ये जो AMA का अपडेट आया है इसके अंदर क्या बात कही गई है उसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। और इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, टोटल 11 मिनट की दोस्तों ये वीडियो है, लेकिन इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिससे कि छोटे छोटे जो मेन टॉपिक है उसको अलग करके और फिर उसको अच्छे से समझाया जा सके और अच्छे से समझा भी जा सके, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो आज की ये वाली वीडियो है इसके अंदर जो पहला पार्ट है दोस्तों वो है KYC का, यानी कि आपको KYC के बारे में यहाँ पर कुछ जो AMA के तरफ से जो सेशन हुआ है जो AMA सेशन हुआ है तो वहाँ पर KYC को लेकर के कुछ सवालों के जवाब जो है फ्रेंड्स दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं और सुनते हैं कि क्या है इस KYC अपडेट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है, फॉर पाइनियर्स हु हैव द चांस टू यूज़ द KYC रीसबमिश बटन, हाउ लॉन्ग शुड दे वेट टू गेट अनदर चांस। यानी कि किन, ये जो सवाल है ये है कि किन लोगों के पास में जो है चांस है कि वो KYC के लिए रीसबमिट कर सकते हैं, और अगर उन्होंने रीसबमिट कर दिया है या फिर नहीं भी किया है तो कितने और लंबे समय तक उन्हें जो है इंतज़ार करना चाहिए अगला चांस जो है वो उसको ग्रैब करने के लिए या अगली अपॉर्चुनिटी के लिए। तो उसके बारे में यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है, उसका उत्तर क्या दिया गया, उसका जवाब क्या मिला है, उसके बारे में जानते हैं। रीसबमिट, would be a useful remedy only for a few cases, such as a failure in image recognition checks. That makes sense that allowing them to resubmit their images for the algorithm to to take another try, and then many of them actually get passed. Until there are major changes to the system in these checks, like for example. तो यहाँ पर दोस्तों जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि यहाँ पर जो KYC के लिए लोग resubmit करेंगे, ठीक है, तो ये स्पेशली उस केस में है, यानी कि वो सिर्फ उसी के लिए यूज़फुल है जो कि यहाँ पर जिसमें अगर किसी को यहाँ पर जो है KYC को लेकर के जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है, यानी कि आपके पास में पता है आपको कि डॉक्यूमेंट अपलोडेशन जो हमको करना पड़ता है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसके बाद में आगे चल करके हमारे पास में क्या होता है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन का जो है वहाँ पर स्टेप आता है जिसमें आप कैमरे को ओपन करके और अपना फेस दिखाते हैं। तो ये मोस्टली जो रीसबमिशन है दोस्तों उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जिनको फेस रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि या तो उनके जो है फ़ोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए या उनकी इमेज जो है वो क्लियर ना आ रही हो, तो ऐसे रीज़न की वजह से अगर वहाँ पर KYC में उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर उन लोगों को चांस मिलता है या उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि वहाँ पर वो दोबारा से रीअप्लाई करके और अपना जो फेस है उसको सही तरीके से शो करके अपनी KYC को सबमिट कर सकते हैं। आगे सुनते हैं। Image recognition, the resubmission wouldn't help that much. If someone who is actually stuck because of their name appeal, then it should be waiting for the name appeal feature to come out to resolve the, their name don't simply match that case. So, यहाँ पर अब ये बात कहिए दोस्तों कि यहाँ पर जिन लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ जो अपना नेम जो है चेंज किया है, ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए इस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगा जिन्होंने यहाँ पर अपना नेम चेंज करा है और उसके बाद में यहाँ पर अभी उनको वेट जहाँ पर करना चाहिए कि हमारा जो नेम है वो डिस्प्ले पर आ जाए उसके बाद हम KYC सबमिट करें, तो ऐसे में जब आपका नेम वहाँ पर शो नहीं हो रहा है और आप रीसबमिट करते हैं, ठीक है, KYC के लिए अप्लाई करते हैं फिर उसके बाद वहाँ पर रीसबमिट करते हैं,
फेल हो जाता है। आप देखिए इस केस में क्या है कि जैसे कि आपने केवाईसी के लिए अप्लाई किया और केवाईसी अप्लाई करने से पहले आपने नेम चेंज के लिए भी अपडेट किया था, लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उसमें क्या है कि आपको कुछ इंतज़ार करने के लिए बोला गया है कि अभी आपको जो आपका जो नेम होगा जब वो चेंज हो रहा है तो उसमें वो आपका जो है डिस्प्ले पर शो नहीं होगा, तो आपको उसके लिए वेट करें और आगे चल करके जब आपका ये नेम जो है शो होगा तो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो ऐसे में जब आपने नेम की अपील करी, लेट सपोज कि दोस्तों आज आपने अप्लाई किया के वाइस नेम चेंज के लिए अपडेट किया और उसके बाद में 4 दिन के बाद में आपके पास में केवाईसी आ गई, तो ऐसे में जब आप केवाईसी सबमिट करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं या तो वो आपका जो केवाईसी एप्लीकेशन है या तो वो स्टक हो रहा है, रुक जा रहा है, या फिर उसका रिजल्ट भी आएगा तो हो सकता है कि वो फेलियर भी दिखाए। बाकी आप लोगों का खुद का क्या मतलब इस तरीके की अगर आपने सिचुएशन फेस करी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेम चेंज किया था लेकिन आपके डिस्प्ले पे शो नहीं किया है और केवाईसी आपकी क्लियर हो गई है, तो अगर कोई ऐसा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्लिकेटेड सी है, लोगों को कन्फ्यूजन है और कुछ कन्फ्यूजन मुझे भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में सारी चीज़ें जो प्रॉपर है और जब तक प्रॉब्लम मेरे सामने सामने से मैं फेस नहीं करूँगा तब तक मैं उसका सॉल्यूशन भी नहीं बता सकता और एक्चुअल प्रॉब्लम भी नहीं बता सकता। दोस्तों जो आपका ओपिनियन होता है, जो आप लोग बताते हो मुझे, उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को जो है एक प्रॉपर सॉल्यूशन या फिर उसका जवाब देता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि यहाँ पर जो ये चैंग डायो फैन है उन्होंने जो ये जवाब दिया है, ठीक है, इस सवाल को लेकर केवाईसी को लेकर के, तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि अगर यहाँ पर अगर आपने नेम चेंज के लिए अपील किया है और डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा है तो ऐसे में जब आपकी केवाईसी स्टक हो रही है और आप रीसबमिट कर रहे हैं, रीअप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका नेम सही है, आपने उसमें जो है केवाईसी के लिए अप्लाई किया है, तो उसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, यानी बहुत जल्द मिल जाएगा, आप लोगों को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी आपको पहले बताया था और इसका जो अभी फ़िलहाल जो जवाब मिला है तो उसके हिसाब से दोस्तों मेरा सोचना यही है कि शायद यही रीज़न होगा बहुत सारे लोगों की जो केवाईसी अटकी हुई है कि उनको उन्होंने नाम चेंज किया होगा और उसके बाद में यहाँ पर जब केवाईसी करी होगी, केवाईसी उनकी स्टक हुई, या तो उन्होंने रीसबमिट किया या फिर नहीं भी किया, लेकिन नेम की वजह से वो कहीं ना कहीं बीच में रुक गई है। तो ऐसे में आप लोगों को इंतज़ार करना है कि सबसे पहले आपका नेम जो है वो चेंज हो जाए, उसके बाद आप केवाईसी के लिए रीसबमिट का जो है यूज़ करें, अदरवाइज़ ना करें, क्योंकि ऐसे में जैसा कि इन्होंने कहा है कि वो और ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम में डालेगा, यानी कि आपका नेम जो है सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ, शो नहीं हो रहा है और आपने केवाईसी के लिए रीसबमिट किया है या सबमिट किया है, तो आप दोबारा से जैसे करेंगे उसको रीअप्लाई करेंगे केवाईसी के लिए, तो उसमें आपको प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो है यहाँ पर इन्होंने जो है कंक्लूजन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है, ठीक है। Giving them another resubmission will only lead them to have more trouble resubmitting one more time. Wouldn't let them just go past because of resubmission. ठीक है, यानी अब देखिए लास्ट मिनट में क्या बोला, वुडंट लेट देम पास बिकॉज ऑफ रीसबमिशन, यानी कि आपने जो है नेम आपका डिस्प्ले पे शो नहीं हुआ है, ठीक है, और आपने जो है रीसबमिशन कर दिया उसका केवाईसी में भी, यानी केवाईसी के लिए आपने पहले अप्लाई किया था फिर रीसबमिशन कर दिया, तो इसमें जो है जैसे कि इन्होंने कहा वुडंट लेट देम पास, यानी कि वो उनको पास नहीं होने देगी और यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो है ये कि जो फेक यूजर्स हैं जिनके फेक अकाउंट्स हैं और ये रीसबमिट का ऑप्शन मिलने से और जो है वो बार बार उनको मतलब ये ऑप्शन मिलेगा कि वो जो है किसी ना किसी तरीके से अपनी जो केवाईसी है उसको पास कर ले, तो यहाँ पर ना सिर्फ उन लोगों को मौका मिलेगा जिनके अकाउंट्स सही हैं, जिन्होंने लापरवाही की वजह से अपना नेम जो है वो गलत रखा था, तो बल्कि या फिर किसी और रीजन की वजह से अगर उन्होंने उनका जो नेम था वो गलत हो गया था तो उनको तो मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो फेक यूज़र्स हैं उनको एक बार नहीं कई बार ये चांसेस मिल जाएगा कि वो इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से यूज़ करके और फिर जो है अपने फेक अकाउंट्स को भी सही तरीके से सही दिखा करके और वहाँ पर अपने पाई कॉइंस को वो ग्रैब कर ले, ठीक है। तो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है,
प्लस नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, और इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं KYC जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और KYC का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा टफ है इनके लिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों, इनको जो है मतलब काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ रहे हैं। चलिए आगे क्या बोलती हैं, क्या नाम है इनका, चेंग डाइफेन, सुन लेते हैं। However, we need to strike a balance in granting. However, we need to strike the balance. लेकिन जैसा भी हो हमें जो है एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, जिससे कि KYC में जो रियल यूज़र्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, और सच में अगर वो अपने सही नेम से वहाँ पर अकाउंट बना करके माइनिंग कर रहे हैं तो उनकी KYC जो है वो हर तरीके से पास हो, और जो फेक यूज़र्स जो यहाँ पर रीट्राई कर करके यहाँ पर अपनी KYC को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी मेंटेन किया जा सके और इन दोनों ही तरीके के लोगों को बैलेंस किया जा सके। You know, even for the checks that the resubmission would help, we need to strike a balance in granting resubmissions because we don't want to let the fake accounts to get many opportunities to retry either. तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते और ना ही हम ऐसा कर होने देंगे कि जो फेक अकाउंट्स हैं या फेक यूज़र्स हैं उनको बार बार ये मौका मिले कि वो अपनी KYC के लिए बार बार जो है ट्राई कर सकें कि किसी तरीके से हमारी जो है KYC वो पास हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों एक पार्ट, और अब यहाँ पर बात होती है KYC नोटिफिकेशन को लेकर के। तो KYC नोटिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर क्या बोला गया उसके बारे में भी जान दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को जितना अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ उतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इससे कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के जो डाउट्स हैं या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है शायद उसमें कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको शायद टेंशन उतनी नहीं होगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग बने रहिएगा, सवाल जवाब जो है यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर KYC नोटिफिकेशन को लेकर के कुछ बोला गया है, तो वो क्या बोला गया है या क्या सवाल है सबसे पहले वो समझते हैं कि सवाल क्या है। सो डज कोर टीम हैव प्लान्स टू नोटिफाई इनएक्टिव यूजर्स टू कंप्लीट KYC? क्या यहाँ पर जो कोर टीम है उनके पास में ऐसा कोई प्लान है कि वो इनएक्टिव यूजर्स यानी कि जो लोग पाई में एक्टिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10-20 रेफरल किए उसमें से 10 लोग इनएक्टिव हैं, तो क्या ऐसी कोई नोटिफिकेशन की प्लान है या नोटिफाई करने का प्लान है कि जो इनएक्टिव यूजर्स हैं उनको भी यहाँ पर KYC के लिए कंप्लीट करने के लिए बुलाया जा सके, एक रिमाइंडर भेजा जा सके? तो आगे लिखा है डू वी रिमाइंड देम टू कंप्लीट KYC बाय SMS और ईमेल रिमाइंडर टू डाउनलोड द ऐप एंड लॉग इन? यानी कि क्या ऐसा भी कोई प्लान है कि हम यहाँ पर उनको नोटिफाई कर सके कि आप जो है KYC करिए या फिर आप एप्लीकेशन को दोबारा से जो है डाउनलोड करिए और लॉगिन करिए, उसके बाद अपनी KYC कंप्लीट करिए SMS के थ्रू या फिर ईमेल रिमाइंडर के थ्रू, यानी कि SMS करके भी उन लोगों को जो है रिमाइंड कराया जा सके या फिर उनको जो है ईमेल के ज़रिए भी रिमाइंड कराया जा सके? तो इसके बारे में यहाँ पर क्या जवाब दिया सुन लेते हैं। We're halfway, you know, shown, but that there is some scalability issue and not fully fledged for people to use. तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि हाँ हमारे पास में प्लान है और अभी हमारे पास जो इशू है वो ये है कि जो स्केलेबिलिटी है यानी कि इसको और ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचाई जा सके, इसको बढ़ाया जा सके, जहाँ पर वो 100 लोग दायरे में हो कि हाँ भाई इनको ये ऑप्शन मिले और हमारे पास में वो 100 लोग से ज़्यादा कि जितने हमारे टोटल ऑल ओवर द मिलियन यूज़र्स हैं, ठीक है, उन सभी को जो है ये ऑप्शन दिया जा सके कि वो KYC के लिए अपने जो रेफरल्स हैं उनको SMS या ईमेल के ज़रिए या नोटिफिकेशन के ज़रिए उनको रिमाइंड करा जा सके। तो ये थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग है और एक थोड़ा सा इशू भी है, लेकिन उनके दिमाग में ये प्लान है कि हम ये जो है चीज़ें करेंगे जिससे कि जितने भी लोगों के रेफरल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल्स से जो है उनकी KYC हो सके और उनका रिवॉर्ड जो है उनको मिल सके। I don't remember where it is at. Maybe it's in the mainnet checklist. Oh, the last step. It's like inviting your teams to KYC. So this is the mechanism and feature we thought of to mobilizing the inactive or other members who haven't KYC to KYC.
in a sense, it's a decentralized. It's decentralized motivation mechanism. Each person is motivating their own security circle or referral team to pass KYC because they have their own motivation as well. Because the book decentralized motivation, यानी कि यहाँ पर और वो भी मोबाइल एल्गोरिदम या मोबाइल क्या बोलते हैं उसको मोबालाइजेशन और बड़ा अजीब सा थोड़ा सा नाम होता है कंफ्यूज मतलब बोलने में थोड़ा सा वो हो जाता है जीभ लड़खड़ा जाती है। तो एनीवेज यहाँ पर बोला गया है कि दोस्तों ये एक तरीके से मोटिवेशन का काम कर रहा है यहाँ पर कि जो यूज़र्स है और वो यहाँ पर रेफरल्स को जो है KYC के लिए इन्वाइट कर सकें बुला सकें और उनको बता सकें कि हाँ भाई चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और आप यहाँ पर आपको KYC अपनी करनी चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा डिटेल में बोला गया है। ठीक है, तो चलिए आगे सुनते हैं। To those members depends on the verification of identity of their team members. So the feature that we are thinking of यहाँ पर हर एक person जो है दोस्तों जब वो KYC के इनवाइट कर रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है अपने उन सिक्योरिटी सर्कल को, यानी कि वो लोग जो उनके सिक्योरिटी सर्कल में एडेड हैं और साथ ही साथ जो उनकी रेफरल टीम है उनको KYC के लिए भी यहाँ पर जो है मोटिवेट कर रहा है हर एक पर्सन जिसके नीचे रेफरल्स हैं, बिकॉज दे हैव देयर ऑन मोटिवेशन एज वेल, क्योंकि यहाँ पर जो है उन लोगों के पास में खुद का भी एक मोटिवेशन है। यानी कि ऑफकोर्स जो लोग बिलीव कर रहे हैं और जो लोग मोटिवेटेड हैं, जो लोग पॉजिटिव हैं, वही लोग अपने नीचे जो रेफरल्स हैं उनको बोलेंगे कि आप आइए KYC करिए या फिर आइए आप दोबारा से ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी KYC कंप्लीट करिए। तो ये चीज जो है यहाँ पर उन्होंने बोली है, आगे सुनते हैं। Through the similar to the PIN. However, we're also open to sending email notifications, which will take time to set up the infrastructure to send millions of emails. But यहाँ पर ईमेल सेंडिंग नोटिफिकेशन भी यहाँ पर बनाई जा रही है कि ईमेल से आप लोगों को नोटिफाई कर सको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। लोग ये जो है ऑलरेडी इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। More feasible than sending messages, text messages. The majority... तो ये दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट ख़त्म हो गया है हमारा KYC को लेकर के जो कंसर्न था कि KYC जो है किस तरीके के जो है लोगों को इशू आ रहे हैं या फिर KYC की जो प्रॉब्लम जो मेनली अभी निकल करके आ रही है किस रीज़न की वजह से जो है यहाँ पर लोगों की KYC स्टक हो रही है, रुक रही है और उसके लिए क्या यहाँ पर प्लान है वो हमने यहाँ पर समझा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर नेम जो है वहाँ पर जो है आपका डिफरेंट है और आपने अपडेट किया है लेकिन वो डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा है, उसके बाद में अगर वहाँ पर KYC की एक बार अप्लाई करने के बाद में रीसबमिट किया जाता है, यानी कि आपको रिजल्ट का वेट नहीं करा लेकिन फिर दोबारा आपने रीसबमिट कर दिया तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ जैसा कि कहा गया कि यहाँ पर जो है KYC के लिए आप लोगों को जो है दो तरीके के चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने को पड़ रहे हैं कि एक तो वो जो रियल यूज़र्स हैं और दूसरा वो जो फेक यूज़र्स हैं जिनको इस वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो बार बार रीट्राई कर सके। तो ये इस चीज़ को मेंटेन करना, बैलेंस करना, इसके ऊपर कोर टीम जो है वो कर रही है, तो इसलिए KYC में दोस्तों यहां पर टाइम लग रहा है। दूसरी बात यहां पर हमने कवर करी कि नोटिफिकेशन और जो आपके यूजर्स हैं, जो आपके रेफरल्स हैं, उनको आप SMS ईमेल के जरिए भी नोटिफाई कर सके और इस चीज के ऊपर जो है पूरी प्लानिंग के साथ में काम किया जा रहा है और 100% इनके पास में जो है आगे चल करके दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो लोगों को देंगे कि आप KYC के लिए जो है SMS ईमेल के जरिए प्लस ऐप के जरिए जो जिस तरीके से हम लोग पिंग नोटिफिकेशन करते हैं ना कि आप लोग अपने जो है जो भी आपके इनएक्टिव यूजर्स होते हैं तो आप लोग क्या करते हो कि पिंग करते हो उसमें 24 घंटे में एक बार, तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों के पास में नोटिफिकेशन जाती है और वो लोग एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि अगर उनकी पाई जो है माइनिंग नहीं हो रही है तो उन केस में उनके पास में वो नोटिफिकेशन जाती है। तो ये चीज़ भी जो है दोस्तों उन्होंने यहाँ पर ध्यान में रखी है और आने वाले समय में यहाँ पर आपको तीन तरीके से अपने जो यूज़र्स होंगे, अपने जो रेफरल्स होंगे, उनको आप तीन तरीके से नोटिफाई कर पाओगे इन शॉर्ट SMS, ईमेल और
एप्लीकेशन, पाई माइनिंग एप्लीकेशन। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर जो कि अभी हमने स्टॉप कर दिया है वैलिडेटर्स को लेकर के, वैलिडेटर्स के रिवॉर्ड को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके दूसरी वीडियो भी बना करके दे दूंगा। अदरवाइज आप लोगों को जैसा भी आपका ओपिनियन रहेगा, जैसे भी आपके सवाल होंगे उसके हिसाब से आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके जवाब उसका दे दूंगा। बाकी फ्रेंड्स किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इतना ही फ्रेंड्स इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। और हाँ, अगर किसी ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप लोगों को यहां पर हर एक अपडेट जो है डेली बेसिस पर मिल पाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।